हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फोर वीडियो है। इसके पहले तीन वीडियो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसमें आपको एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक के सारे ही क्वेश्चन जितने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सबको करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो जिसने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जल्दी से जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% का छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ हो, तो आपको अंकित मूल्य बताना है कि अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% की छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ हो रहा हो, तो अंकित मूल्य बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो निकालना है उसको मान लिया हमने कि x है, तो हमने क्या किया, माना अंकित मूल्य कितना है, तो माना अंकित मूल्य जो है वो है x, ठीक है। अंकित मूल्य को हमने मान लिया x है। अब अंकित मूल्य को x मान लिया तो अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत की छूट दे रहा है, वो 20% की छूट दे रहा है। आपको बेस मानना है 100 और छूट दे रहा है, तो यानी कि 100 में से आपको 20 माइनस कर देना है, तो 100 में से 20% को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो 80% की उसने क्या कर दी, छूट दे दी। 80% की छूट देने के बाद भी उसे कितने का लाभ हो रहा है, तो उसे 25 का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 में आपको क्या करना है, 100 में 25 को आपको ऐड कर देना है, ओके। तो 100 में 25 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125। बस आप इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इतने लंबे से लंबे क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप लोग तुरंत सॉल्व कर लोगे, बस क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 10 से 10 फिर इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 4 8 और कितना हो जाएगा ये, 2 5 10, 25 × 5 आएगा 625, 625 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 156.25 रुपीज़, ठीक है, 156.25 रुपीज़। ये क्या है इसका, तो ये है अंकित मूल। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। क्या था क्वेश्चन में, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% का छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो अंकित मूल बताना है। हमने मान लिया अंकित मूल x है, जब अंकित मूल को x मान लिया उस पर 20% की छूट है कर लिया, यहाँ पे 100 में से 20 माइनस कर दी थी तो 20% का छूट है, यानी 80/100 हो गया। और बराबर किसके कर देना है, तो बराबर जितना उसको लाभ हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 25% का आपने 100 में जोड़ देना है, तो 125 आ गया। बस आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करते ही आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसको नहीं कैंसिल करना है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए वो भी एग्जामिनेशन में आया है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको क्लियर है, पढ़िए सेकेंड क्वेश्चन को क्या है। किसी घड़ी को 340 रुपए की बजाय यदि 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होगा, तो घड़ी का आपको क्रय मूल्य बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसने कितने में बेचा, तो उसने 340 में बेचा। यदि वो 350 में बेचता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता, तो 5% का क्या होता, अतिरिक्त लाभ होता। तो 340 से 350 में डिफरेंस आप देख लीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 10 रुपए का डिफरेंस है। और ये 10 रुपए का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, तो ये बराबर है 5% के। तो 5% जो है वो बराबर है 10 रुपए के, तो आपको निकाल लेना है 100%, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो 100% निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, 10/5 और गुणे में कर देना है 100। आप इससे कैंसिल कर लो, 5 × 10 यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 200 रुपए, ओके। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो गया क्या, 200 रुपए। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। 340 के बजाय यदि वो 350 में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता। तो 340 लिखा, 350 लिखा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 10 रुपए का है। और यही 10 रुपए का डिफरेंस जो है वो 5% के बराबर है। तो 5% बराबर आ गया 10 रुपए। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका आएगा 100% पे। तो 100% की वैल्यू आ गई 200। यही क्या हो गया, तो ये हो गया क्रय मूल्य, ओके। ये क्या हो गया, तो ये हो गया क्रय मूल्य, और आपका आंसर यही है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड की तरफ, ओके। तो क्वेश्चन थर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात बताना है, ठीक है।
समझ में आ गया, अंकित मोल पर 10% की छूट दिया, उसके बाद भी उसे 12% का लाभ मिल रहा है। तो पुस्तक का आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अनुपात बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अंकित मूल्य को हमने मान लिया क्या है, तो अंकित मूल्य को हमने मान लिया ए, और क्रय मूल्य को मान लीजिए बी है। अंकित मूल्य ए हो गया और क्रय मूल्य को हमने मान लिया बी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हमें कैसे करना है, देखिए अंकित मूल्य पर दे रहा है 10% की छूट, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से आपको 10% माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 90/100, यानी कि 90%। ए का 90% निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि 10% की छूट दी है, तो 100 में से आपको 10 माइनस कर देना है, आएगा 90%, विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य पर 12% का उसको लाभ मिल रहा है। तो क्रय मूल्य क्या है, देखिए बी है, बी पे मिल रहा है लाभ कितने प्रतिशत का, 12% का। तो लाभ जब भी होता है तो क्या करते हैं, 100 में 12 को जोड़ देंगे, तो 100 में 12 को जोड़, ये 112/100 आ जाएगा, 100 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, तो 90A इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 112B के आ गया। ठीक है, 90A इज इक्वल्स टू आ गया 112B के। आपसे किसका अनुपात पूछा है, क्रय मूल और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात बताइए, तो क्रय मूल क्या है ये है और अंकित मूल्य क्या है ये है, तो बी बटे में ए का आपसे अनुपात पूछा है, तो बी बटे में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी बटे में ए इसकी वैल्यू आ जाएगी 90/112। कितना आ गया, 90/112, किसी से कट रहा है तो ये 2 से कट रहा है, 2 से इसको काटिए 45 बार में जाएगा, और 2 से इसको काटिए तो ये 56 बार में जाएगा, तो इसका अनुपात क्या आ गया क्रय मूल और अंकित मूल का, तो क्रय मूल और अंकित मूल का अनुपात आ जाएगा 45/56, या फिर 45/56 ये इसका अनुपात हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन फोर्थ अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन फोर को पढ़िए अच्छे से। एक व्यापारी ने साइकिल को 10% हानि पर बेचा, यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ होता है, तो आपको साइकिल का क्रय मूल्य बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन सेकंड किया गया है सेम वैसे इसको भी आपको करना है। एक व्यापारी ने साइकिल को 10% हानि पर बेचा, तो हानि भी बेचेंगे यानी कि 100 में से 10 को घटा देना है, तो 100 में से 10 को घटा दिया तो आ गया 90%। ठीक है, उसके बाद यदि बिक्री का मूल्य 200 बढ़ा दिया जाता तो 6% का लाभ होता, लाभ आ रहा है 6% का, यानी क्या करना है 100 में हर 6 को जोड़ देना है, तो 100 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 106% आ जाएगा, 106% आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 16% का, 16% का जो डिफरेंस है वो बराबर है 200 रुपये के, 200 रुपये का उसको क्या होता, क्या बोला है देखिए, यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 16%, और 16% बराबर है किसके, 200 के। आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100%, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 200/16 × 100। इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से कैंसिल करिए ये ऊपर आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर उसके बाद 2 से काटिए, 2 4 8 एंड 2 5 10 0। ठीक है, तो क्या आगे बताइए, 50 × 100/4, फिर से इसको कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा 25, और फिर 25 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, और 10 ऑलरेडी लिखा है तो इसको बढ़ा दीजिए, तो 1250 यानी कि 1250 रुपये। इसका क्रय मूल्य क्या आ गया साइकिल का, तो साइकिल का क्रय मूल्य आ गया 1250 रुपये। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया क्वेश्चन, ये वाला कैसे किया है, 10% की हानि तो 100 में से 10 को माइनस करिए, 6% का लाभ, 100 में क्या करिए 6 को जोड़ दीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 16%, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। बस अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है 100% पे आता है, तो 100% आप लोग निकाल लीजिए, वो आ जाएगी वैल्यू, तो कितना आ गया क्रय मूल्य 1250 रुपये। ओके, यहाँ तक क्लियर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन 5 अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 5 को पढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, इस पर दो क्रमिक बट्टे क्रमशः 20% और 10% दिए हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, आपको इसमें अंकित मूल्य दिया गया है, इस पर दो क्रमिक बट्टे क्रमशः 20% और 10%, बट्टे क्या है यानी कि छूट दी गई है। ठीक है, तो वस्तु का आपको विक्रय मूल्य बताना है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए बट्टे पे तो आपको कैसे करना है, देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अंकित मूल्य लिखिए और उसमें जितने भी बट्टे यानी कि छूट दिए जा रहे हैं 100 में से बेस मान के उसको माइनस करिए, तो 20% छूट है यानी कि 100 में से 20 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 80/100, या गया 80/100 / 10% का क्या आ जाएगा, तो 90/100 इसका आ जाएगा, 100 में से 10 को माइनस कर दीजिए तो ये आ गया
बस अब आप इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, 9 8 72 और गुड़े 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, बताइए जल्दी से। 504 रुपीज़ ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 504 क्या आ गया, 504 आ गया विक्रय मूल। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अंकित मूल्य दिया था, उसमें हमने छूट से क्या कर दिया, दोनों क्रमशः थे तो दोनों का हमने गुणा कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा फिर। ओके, इसमें कुछ भी नहीं करना था। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 रुपये में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर बतानी है आपको, तो कितनी छूट दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, आपको हमने सारे ही टाइप करवा दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। कैसे करेंगे, देखिए छूट कितनी दी गई, पहले तो हमें वो निकाल लेना है। तो छूट कितनी की दी गई है, 540 का था और उसको बेची गई है 496.80 रुपये में, तो छूट इसको माइनस करिए, कितने की छूट दी गई है बताइए जल्दी से। तो 43.20 रुपये की क्या कही है, छूट दी गई है। ठीक है, अब आपको छूट पता चल गया। अब पूछा है कि छूट की दर क्या है, तो छूट किसमें दी गई है, 500 रुपये में, 540 रुपये में छूट दी गई है। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 540 गुणे में हमने मान लिया छूट क्या है, एक्स है, एक्स की छूट दी गई है, और यही छूट जो है इसमें जितनी छूट दी गई है वही तो इसके बराबर है, तो बस आपको इसके बराबर कर लेना है, 43.20 इसके बराबर हमने कर लिया। आप क्या क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 43.20 × 10 डिवाइडेड बाय 54, कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। ओके, तो अब आप इसको कैंसिल करिए, 54 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, तो जाएगा 0.8 टाइम्स, और 0.8 × 10 कर लेंगे तो आ जाएगा 8%, और यही आपका क्या आ गया, छूट की दर आ गई। तो छूट की दर कितनी है, तो ये है 8% की। ओके, क्लियर हो पाया यहाँ तक क्वेश्चन। देखिए क्या था, 540 रुपये का अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496.80 रुपये में बेच दी जाती है, तो छूट की दर बतानी थी, तो हमने इसमें से माइनस करके निकाल लिया छूट कितने का है। जैसे ही आपको छूट पता चल जाएगा तो 540 में कितने की छूट दी जाए, कि इतना रुपये आ जाए, तो बस आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, और एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया तो आ गई छूट की दर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन 7 अब आपके सामने है, क्वेश्चन 7 को पढ़िए। एक दुकानदार 2 रुपये प्रत्येक की दर से 100 अंडे खरीदता है, उनमें से 20 अंडे यदि टूट जाते हैं तो शेष अंडों को वह 2.50 रुपये की प्रत्येक की दर से बेच देता है, तो आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, उसको लाभ हुआ या फिर हानि हुआ उसका आपको प्रतिशत में बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए आइए करके देखते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे। देखिए क्या करना है, 2 रुपये प्रत्येक की दर से 100 अंडे खरीदता है, यानी कि आपको निकाल लेना है उसका क्रयमूल क्या हुआ। तो क्रयमूल बताइए क्या हो जाएगा, 2 गुणे में आपको कर लेना है 100, आ गया 200 रुपये क्रयमूल। ठीक है, 200 रुपये का क्रयमूल आ गया। अब यदि उसमें से 20 टूट जाते हैं तो वह शेष को 2.50 रुपये के बेचता है, कितने थे 100, बचे कितने आपको वो निकालना है। तो कितने बचे, 100 में से अगर 20 टूट गए तो बचे कितने, बचे 80 रुपये, 80 अंडे बचे। ठीक है, 80 एग, और 80 को वो बेच रहा है 2.50 रुपये से, तो विक्रय मूल आपका क्या आ गया, देखिए विक्रय मूल निकालना है, तो विक्रय मूल क्या आ जाएगा, विक्रय मूल आ जाएगा 80 × 2.50। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 200 रुपीज़। ठीक है, तो 80 × 2.5 कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। तो 200 रुपये उसका क्रय मूल भी था और 200 रुपये उसका विक्रय मूल भी था, यानी कि उसको कोई भी ना लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। ठीक है, तो उसको ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है, उसने जितने में खरीदा था उतने में ही सबको बेच भी दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जिसमें ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ओके, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो हम कल के क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। तो चलिए फिर, हमने आपके कमेंट्स रीड किए थे, आपने बोला था कि कल का क्वेश्चन करवा दिया जाए दोनों, जो भी हमने आपको होमवर्क में दिया था, तो आइए उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। कुर्सी का आपको क्रय मूल दिया गया था 420 रुपये, और उसमें पूछा गया था कि यदि उसको 10% लाभ चाहिए तो वह कितने में बेचे। ठीक है, कितने में बेचने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा, तो आपसे पूछा सीधे सीधे विक्रय मूल। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, देखिए आपको क्रय मूल बताया गया है और बोला है कि 10% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल क्या होना चाहिए। क्रय मूल पता है 420, 10% का लाभ चाहिए तो 100 में आपको 10% जोड़ देना है। 100 में हमने 10% जोड़ दिया तो वो आ गया 110, और बटे में हो गया 100। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए,
तो 42 गुणे 11 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 462 रुपये, और यही आपका हो जाएगा विक्रय मूल। ठीक है, तो 462 रुपीज़ जो हो गया आपका विक्रय मूल हो गया। ये रहा आपके कल के फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए जरा सा एक बार, सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को पढ़िए आपकी स्क्रीन पे है। एक मेज को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, यदि वह उसे 5% की हानि हो तो कितने में उसे बेचना चाहिए। ठीक है, 5% की हानि हो तो उसे कितने में बेचना चाहिए, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। 25% की हानि पर बेचने पे यानी 100 में से आपको 25 माइनस करना है, तो 100 में से जब आप 25 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 75%। 75% की हानि हो रही है और उसने कितने में बेचा, तो 300 का बेचा, तो उसे चाहिए कि उसे 5% की हानि हो। तो 5% की हानि हो यानी कि 95% की आप लोगों को वैल्यू चाहिए थी, तो 95% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 75 इंटू में 95, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 380 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 380 रुपीज़। ये आपका आंसर करेक्ट था, ऑप्शन ए में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, हमने आपको ऑप्शन ए में क्या दे दिया था, तो 384 दे दिया गया था आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो 384 नहीं होगा, आपका होगा 380 रुपीज़, और यही आपका करेक्ट है। तो जिसका भी 380 रुपीज़ आ रहा था उसका आंसर करेक्ट था। ओके, अब सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। तो चलिए, ये रहा कल के क्वेश्चन का आंसर, इसको देख लीजिए आप लोग, मैच कर लीजिए, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसको बताइएगा, हम कल वाले वीडियो में इसको सॉल्व करा देंगे। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बताएगा, तो कल के वीडियो में हम आपको उसको क्लियर करवा के तभी आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।